तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेटकिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कि क्या जेटकिंग ने हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स कराना बंद कर दिया है या जेटकिंग हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स अब नहीं कराता, प्लेसमेंट नहीं दिलाता, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त मैं बता दूं, जिनको आइडिया नहीं है, जेटकिंग एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है डिप्लोमा के मामले में या सर्टिफिकेट के मामले में या कोर्स के मामले में, जो कि हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स कराता है। मैं यहाँ पे अभी सिंगल कोर्स की बात कर रहा हूँ, और भी मल्टीपल कोर्स कराता है जेटकिंग इंस्टीट्यूट। तो जहाँ पे वो बताते हैं हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कॉम्बिनेशन, हार्डवेयर में आपका हो गया मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, कीबोर्ड एंड माउस, प्रिंटर्स, जितनी भी हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें होती है एक आईटी जॉब के लिए, बेसिक टू एडवांस वो कराते हैं। एंड आपका नेटवर्किंग का कुछ पार्ट उसमें वो लोग कंप्लीट कराते हैं, जैसे कि आपका हो गया स्विचिंग हो गया, राउटिंग हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया, सबनेटिंग हो गया। तो ये कुछ नेटवर्किंग के पार्ट हैं जो आपको जेटकिंग कराता है वहाँ पे। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का पार्ट होता है, जो कि वो कराने के बाद आपको किसी कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूट में आपका प्लेसमेंट भी कराते हैं। तो वो क्या करते हैं कि या जैसे ही आपका हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स कंप्लीट होता है, वो आपको उनके टाई अप हो रखे हैं एमएनसीज में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा के वो लोग कराते हैं। और उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होता है, जैसे कि आप पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करते हो, आप बीसीए करते हो और जाके वो किसी कंपनी में आप डिग्री या डिप्लोमा दिखाते हो, तो उसी तरीके जेटकिंग का सर्टिफिकेट भी वैलिड होता है। अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो वो आपका वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी जेटकिंग की। इसके अलावा ये और भी कई सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराता है, कई सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, सीसीएन हो गया, सीसीएनपी हो गया, सीसीआईयू हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, क्लाउड हो गया, तो आईटी सिक्योरिटी हो गया। तो ये मल्टीपल कोर्स ऑफर करता है स्टूडेंट को, अगर जो इनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो कोई जेटकिंग से प्रमोटेड नहीं है, मैं अपने इसमें पॉइंट्स दे रहा हूँ। तो मैं बात करूँ दोस्तों अभी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का, तो पहले मैं इसकी फ्यूचर की बात करता हूँ। तो देखो दोस्तों, जैसे कि अभी मशीन लर्निंग आया, एआई आया, ये सबको पता है, तो हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की एक ऐसी जॉब है जिसको आने वाले टाइम में 50 और 100 साल में भी हार्डवेयर नेटवर्किंग की जॉब को एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये फैक्ट है, मतलब 100 साल की तो मैं श्योर हूँ कि 100 ईयर्स तक ये आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट की ये जॉब रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो पहला पॉइंट यहीं से बनता है कि हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स बंद नहीं हुआ है। अगर आप करना चाहते हो तो आज भी कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़, अगर इन केस आप हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स जेटकिंग से नहीं करना चाहते हो, कहीं और इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि जेटकिंग की नॉर्मली जो फीस होती है, नॉर्मली जो मुझे आइडिया, आई थिंक 60,000, 60,000, 70,000 के आसपास होती है, विच इज़ कॉस्टली। मतलब अगर आप देखोगे एक नॉर्मल तरीके से तो हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए कॉस्टली, बट उनका सर्टिफिकेट वैलिड होता है, शायद इस वजह से फीस होगी, या हो सकता है वो प्लेसमेंट दिलाते हैं, शायद इस वजह से फीस होगी, वट एवर रीजन। तो मैं यहाँ पे अपना पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ। तो होता क्या कि उस केस में आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे जाके ज्वाइन कर सकते हो हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स, और वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंने जेटकिंग में कॉल नहीं किया, मैंने वहाँ पे बात नहीं करी कि चलता है कि नहीं चलता है, आप जेटकिंग की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे पता कर सकते हो। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, हार्डवेयर नेटवर्किंग एक ऐसा कोर्स है जो कि अभी 100 ईयर्स तक बंद नहीं होगा, सारे के सारे इंस्टीट्यूट कराएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप, अगर इनकेस आपको जेटकिंग से करना है, मैंने और भी ये 2-3 वीडियो बनाए हैं जेटकिंग पे, डिटेल में आप वो देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो जेटकिंग से करने में, आप वहाँ से कर सकते हो। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में करना चाहते हो आप वहाँ से भी कर सकते हो। दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको नॉर्मली फीस 10,000 से 15,000 रुपये देनी पड़ेगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और फिर आप अगर जेटकिंग में जाते हो तो ये जेटकिंग आपको ऑन पेपर या सियोरिटी रिटेन में नहीं देता है कि मैं आपकी जॉब 100% लगवा दूंगा। तो कोई कोर्स करने के बाद कोई गारंटी नहीं आपको वहाँ से जॉब मिली जाएगी। अगर आपने बीए बीएससी किया है, हाँ, तो ठीक है कि आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिल जाएगा हार्डवेयर नेटवर्किंग का, देन आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी बीटेक, बीसीए, एमसीए वगैरह कर रखा है या कोई आईटी डिप्लोमा ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा किसी लोकल इंस्टीट्यूट पर ज्वाइन करो, वहाँ से नॉलेज गेन करो, देन जॉब अपने बेस पे सर्च करो। बाकी अगर आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड आपको रिज्यूमे चाहिए, आपको, आप अगर जॉब सर्च करो तो नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके बेस्ट रिज्यूमे डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको
जॉब इंटरव्यू में सेलेक्ट कराने की 100% गारंटी लेगा वो रिज्यूमे, इतना हाई लेवल मॉडिफिकेशन है उसमें। अगर आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए सिर्फ सटीक क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए, तो मैंने कुछ 60 to 70 क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, उससे बाहर इंटरव्यूअर कभी जा ही नहीं सकता। आपकी आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट जॉब के लिए, तो उसकी भी नीचे लिंक दी हुई है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर इन केस आप मेरे से कुछ सजेशन लेना चाहते हो, मेरे से कुछ बात करना चाहते हो, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मुझे व्हाट्सएप पर पिंग कर सकते हो और वहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।